Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we are gonna solve the MCQs of chapter 18 chemical coordination और इसके बाद two remaining chapters होंगे I guess biotechnology and man and his environment के MCQs रह गए. इंशाल्लाह वो भी जल्दी कर लेंगे. MCQ number 1 है, which of the following statements about hormones is incorrect? So इसमें elimination हम कुछ टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं टू हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू. सो इसमें कुछ एलिमिनेशंस होंगी जो हम एलिमिनेट करते जाएंगे ऑप्शंस को, एंड देन हमें करेक्ट ऑप्शन पता चल जाएगा. ऑप्शन नंबर ए है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. सो यस, हार्मोन्स हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायरॉइड ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड है. सो ये सारे जो आप पढ़ते हैं पैनक्रियास के बारे में, ये सब क्या है, ये ग्लैंड होता है. पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गया, थायरॉइड ग्लैंड हो गया, थायमस है, ये सब ग्लैंड हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को. ऑप्शन नंबर बी है, दे आर मॉडिफाइड अमाइनो एसिड पेप्टाइड्स और स्टेरॉइड मॉलिक्यूल. सो येस, हार्मोन्स की नेचर होती हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं ये मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, इसको पेप्टाइड्स कहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, लाइक लिपिड इन नेचर होता है. ऑप्शन सी है, दे आर कैरीड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो येस, हार्मोन्स हमेशा टारगेट ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं, उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं जो इफेक्ट कॉज करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, और वो जो हार्मोन्स हैं वो कैरी होते हैं बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, बाय द ब्लड. ऑप्शन डी है, दे आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजम्स. सो नो, हार्मोन्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजम्स में कम्युनिकेट में यूज़ नहीं होता है, कम्युनिकेशन करवाता है विद इन द सेल. लाइक बहुत सारे बॉडी, एक ऑर्गेनाइजम है ह्यूमन की बात करें तो उसमें इतने सारे सेल्स हैं, तो इन जो ये जो एक पूरी एक बॉडी में सेल्स के बिटवीन कम्युनिकेशन हो रही है, ये हो रही है थ्रू हार्मोन्स, और थ्रू या तो एक होता है सिस्टम एंडोक्राइन, या तो एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन. तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ऑफकोर्स नर्वस टिश्यूज़ की वजह से होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसमें थ्रू हार्मोन्स हो रहा होता है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा कि ये इनकरेक्ट है अबाउट हार्मोन्स. अब एमसीक्यू नंबर 2 है, ऑक्सीटॉक्सिन एंड ADH, इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसको हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं, प्रोड्यूस्ड होता है बाय द डैश एंड स्टोर्ड इन द डैश. ऑक्सीटॉक्सिन और ADH प्रोड्यूस्ड होता है बाय द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड होता है इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं. सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन ए होगा. और याद रखिएगा कि रिलीज भी होता है फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि जिसमें हार्मोन्स स्टोर हो रहे हैं ऑफकोर्स वहीं से रिलीज भी होंगे. सो MCQ ऐसे भी पूछ लेते हैं MDCAT में. आपको पता होना चाहिए कि हर हार्मोन का ही पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, कहाँ इफेक्ट करता है. तो ये सब कुछ पता होना चाहिए. अगर इसकी अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, एक्सेसिव प्रोडक्शन भी कहते हैं, लो प्रोडक्शन हो जाए, तो कौन सी डिजीजेस हैं जो कॉज होती हैं, कौन से मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, सब आपको पता होने चाहिए. MCQ नंबर 3 है, ट्रॉपिक हार्मोन्स फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली अफेक्ट द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ट्रॉपिक हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स ट्रॉपिक होते हैं, ये स्टिमुलेट करवाते हैं अदर ग्लैंड्स को कि वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करें, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स. यहाँ पे ट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स आ जाते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जो प्रोड्यूस करवा रहा होता है थायरोक्सिन को. सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, के ट्रॉपिक हार्मोन्स फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली अफेक्ट करता है रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. थायरोक्सिन, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है थायरोक्सिन को, जो अंडर द इन्फ्लुएंस होता है इंटीरियर पिट्यूटरी के, और इंटीरियर पिट्यूटरी अंडर द इन्फ्लुएंस होता है हाइपोथैलेमस के. MCQ नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इज आर नॉट करेक्टली मैच विद द मेल फंक्शन. MCQ नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इज आर नॉट करेक्टली मैच विद द मेल फंक्शनलिंग ग्लैंड. तो ये जो फंक्शन है ये डिस्टर्ब हो गया है, इसकी वजह कैस क्या, कि कौन सी डिजीज़ है जो हो रही है, डायबिटीज़, पेनक्रियास. ऑफ कोर्स हमें पता है कि डायबिटीज़ टाइप 1 होती है, डायबिटीज़ टाइप 2 होती है. डायबिटीज़ टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, और इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, पेनक्रियास नहीं कर रहा होता, बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियास के जो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को. एंड डायबिटीज़ टाइप 2 होती है जो होती है जब हमारे ही ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो जाए, जब हमारे ही इम्यूनिटी के सेल इसको डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें अपने, लाइक फॉरेन पार्टिकल समझें, गिगांटिज्म है. तो ये होता है थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन. ये होता है ग्रोथ हार्मोन, और अगर ग्रोथ हार्मोन के ऊपर प्रोडक्शन हो जाए ना, तो प्रोड्यूस होता है गिगांटिज्म.
सो दैट्स वाई यहाँ ये भी करेक्ट है। टेटनी तो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है और कैल्सिटोनिन होता है, दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं, जहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। तो जब भी कैल्शियम लेवल कम होता है तो टेटनी कॉज होता है ऑफकोर्स, सो पैराथायरॉइड हार्मोन ये भी ठीक है। करेक्ट यहाँ सॉरी इनकरेक्ट यहाँ पे है ऑप्शन सी गोइटर। गोइटर और एड्रेनल मेड्यूला का कोई काम नहीं है। हमने एड्रेनल का जब लेक्चर किया था तब हमने कहा था कि एड्रेनल के दो दो पार्ट होते हैं, इनर आउटर कॉर्टेक्स और मेड्यूला। सो एड्रेनल मेड्यूला दो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। कि जो गोइटर है ना वो तब होता है जब इन्लार्जमेंट होती है थायराइड ग्लैंड की। सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, ये थायराइड से बिलोंग करता है, जबकि एड्रेनल मेड्यूला और गोइटर का कोई भी रिलेशन है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच हार्मोन एक्सर्ट एंटागोनिस्टिक एक्शन टू पैराथायरॉइड हार्मोन। सो याद रखिएगा कि एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट। कुछ मसल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये अपोजिट काम करते हैं। जैसे ग्लूकागॉन की बात करें, इंसुलिन की बात करें, पैराथायरॉइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ये सारे एंटागोनिस्ट होते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास अगर आपके पास आ जाता कि इंसुलिन दे देते तो फिर उसका एंटागोनिस्ट होता ग्लूकागॉन। हमें पता है ना कि इंसुलिन क्या करवाता है, जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज होता है फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, एंड देन क्या करता है, लिवर में मसल्स में ग्लूकोज को स्टिमुलेट करवाना शुरू कर देता है। उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ग्लूकागॉन जब रिलीज होता है अल्फा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज से, तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, देन वो फिर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज। कैल्सिटोनिन पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम से रिलेट करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन जब आता है जब कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, और ये फिर हमारे बोन को तोड़ता है और कैल्शियम को रिलीज करवाता है। कैल्सिटोनिन जब रिलीज होता है जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, और ऑफ कोर्स अब ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये डिपोजिशन करवाएगा कैल्शियम की इन द बोन्स। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेसाइज फ्रॉम द अमाइनो एसिड टायरोसिन। सो अमाइनो एसिड टायरोसिन से ये सारे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं अमाइंस, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन और कैटेकोलामाइन, ये सारे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आ जाएगा। मैं भी आपको दिखा भी दूंगी, आपकी उसमें पूरी डेफिनेशन दी हुई है कि प्रोटीनिशियस इन नेचर हार्मोन कौन से होते हैं, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड कौन से हैं। यहाँ तक कि प्रोटीनिशियस इन नेचर में भी दो तरीके के हार्मोन होते हैं, शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन। सो वो भी आपने ज़रा याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स वर रिमूव विच ऑफ द विच ग्रुप ऑफ हार्मोन्स वुड बी मोस्ट अफेक्टेड। सो एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को जो स्टेरॉइड इन नेचर होता है, हम इनको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स है ना, ये कॉर्टिसोल होते हैं जो स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, लिपिड इन नेचर होते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। हमने एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेड्यूला सब पे डिटेल पे लेक्चर डिस्कस किया हुआ है, आपने ज़रूर उस लेक्चर को देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आर सिक्रीटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। देखें नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस दिया हुआ है और की पॉइंट है यहाँ पे स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हम देखते हैं तो हम फौरन से एपिनेफ्रिन को करेक्ट कर देते हैं कि भाई एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ही हमेशा स्ट्रेस में आते हैं, और बस करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा एपिनेफ्रिन, और ये भी सिंथेसाइज कर रहे होते हैं ग्लूकोज को। बट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ऐसे हार्मोन होते हैं जिसमें कॉर्टिसोल आ जाता है, वो ऐसे हार्मोन है जो प्रमोट करते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज को फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, फ्रॉम दी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आपको पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल हेल्प करते हैं टू प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल। सो इसमें आता है ऑक्सीटॉक्सिन। हमने पढ़ा है कि ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है फ्रॉम दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूस होता है इन द हाइपोथैलेमस। इसके सिर्फ दो फंक्शन है, दो प्राइमरी फंक्शन है। एक ही फंक्शन है कि स्टिमुलेट करवाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स को, यूट्रस के मसल्स को ड्यूरिंग लेबर, और एक और इसका एक काम होता है कि ये स्टिमुलेट करवाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रेस्ट मसल्स को आफ्टर चाइल्ड बर्थ टू स्टिमुलेट लाइक सॉरी लैक्टेशन को प्रमोट करने के लिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए।
एमसीक्यू नंबर 10 है, आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन इज दैट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। देखें, स्टेरॉइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स आपको नेम से पता चल रहा है कि ये हमने पढ़े थे कि मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, और स्टेरॉइड हार्मोन्स लिपिड इन नेचर होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसकी बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड आपको पता है ना, ये ऐसे होते हैं फॉस्फोलिपिड, लाइक ये हेड है और ये टेल है, तो हेड होती है हमारे पास हाइड्रोफिलिक और टेल होते हैं हमारे पास हाइड्रोफोबिक, तो ये ऐसे बन रहे होते हैं, और तीन इसकी डबल लेयर होती है, आपने मोज़ेक मॉडल तो पढ़ा ही होगा। तो ये सब कुछ है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड से बन रहा है, तो थायराइड हार्मोन सॉरी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनकी तो नेचर ही लिपिड है, तो वो ईजिली पास हो जाते हैं, उनको रिसेप्टर की नीड नहीं होती। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें थायराइड हार्मोन्स की, तो वो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, उनको भी रिसेप्टर की नीड नहीं होती, वो डायरेक्ट पास हो जाते हैं यहाँ से, ये चल नहीं रहा, डायरेक्ट पास हो जाते हैं यहाँ से। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं, रिसेप्टर्स इनसाइड द सेल्स, इनको ऊपर वाले रिसेप्टर से बाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ उनसे बाइंड करते हैं जो प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। सो दैट्स वाई आप ये याद रखिएगा कि आपने याद रखना है कि थायराइड हार्मोन सॉल्यूबल होते हैं लिपिड्स में, लिपिड सॉल्यूबल हैं ये थायराइड हार्मोन्स। सो दैट सेड, आई होप कि ये एमसीक्यू समझ आ गए होंगे, बहुत ईजी एमसीक्यूज़ हैं, बहुत बेसिक एमसीक्यूज़ हैं, और आपने कुछ भी याद नहीं, आपने कुछ भी याद नहीं रखना सिवाय कॉन्सेप्ट्स के। ये नहीं कि एमसीक्यूज़ के आंसर बस रट रट के बैठ गए कि आएंगे और हम टिक लगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि एम टी कैट का पेपर भी अच्छा हो सके। सो दैट सेड, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनकी भी एमसीक्यू जल्दी करवा दूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।